बिकॉज जब एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में तब वो सब खड़े हो जाता है एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन, बट जब वो सही हो जाता है जिस दिन नीला आसमान दिखा, अरे बहुत बढ़िया नीला आसमान आ गया अब क्या करना है एयर पोल्यूशन बोल के। ऐसे ही जब हमारा ये रवैया रहेगा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों करेगी काम। तो थिंकिंग अबाउट दैट, सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में जो है वो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नेग्लिजेंस, जो कि मतलब गवर्नमेंट की साइड से तो है ही है, साथ ही साथ लोगों की साइड से भी, कि गवर्नमेंट की इसमें सबसे बड़ी मतलब लापरवाही है, क्योंकि उनके पास पावर है कि वो पॉलिसीज़ बनाएँ, वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराएँ, और अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं आज की हमारी इस खास चर्चा को। खास चर्चा में आज हमारी मेहमान भी कुछ खास ही है। हमारी मेहमान है रिधिमा पांडे। रिधिमा पांडे 13 साल की हैं और हालिया इनको बीबीसी ने जो टॉप 100 मोस्ट इम्पैक्टफुल वुमेन को जो नॉमिनेट किया है विश्व भर में, विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं में रिधिमा का नाम आया है और उसमें से भारत की 4 महिलाएं हैं जिन 4 में से एक रिधिमा भी है। रिधिमा बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास चर्चा में। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जो 100 महिलाओं की सूची है उसमें सबसे कम उम्र की आप हैं, तो क्या ये आपकी यात्रा है पर्यावरण को लेकर के, कैसे आपकी रुचि पैदा हुई और कैसे आप इस क्षेत्र में आई हैं? सो इट्स लाइक कि 2013 में जब केदारनाथ फ्लड हुआ था तो उस समय पे मैं यहीं रहती थी, मैं 5 साल की थी। तो उस समय पे मतलब मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, मैं जानती भी नहीं थी क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। बट उस समय पे जब वो फ्लड हुआ तो एज़ मेरे दोनों पेरेंट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, तो वो दोनों मतलब न्यूज़ ज़्यादा देखते थे इन सब चीज़ों के रिलेटेड, ज़्यादातर इसी टॉपिक को एनवायरनमेंट को लेके या वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन को लेके, इसका ये जो टॉपिक थे वो बेसिकली हमारे कॉमन टॉपिक टू टॉक थे, अच्छा, तो इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादातर बात होती थी, क्योंकि मतलब पापा को भी इसी फील्ड की ज़्यादा नॉलेज है, मम्मा को भी इसी फील्ड की ज़्यादा नॉलेज है। तो जब वो फ्लड हुआ तो मतलब मेरी मम्मा कंटिन्यूसली टीवी देख रही थी कि अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है। मेरे पापा मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब अपनी टीम के साथ जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको रेस्क्यू करने गए थे, तो दो हजार वो तेरह में जी तो उस समय पे मतलब जब मम्मा टीवी देख रही थी तो ऑब्वियसली टीवी एक ही था तो कुछ और था नहीं, तो मम्मा के संग बैठ के टीवी देखा, तो जब वो विजुअल्स दिखा रहे थे मतलब बच्चे रो रहे हैं कि उनके पेरेंट्स मर गए, लोग रो रहे हैं कि उन्होंने इतना मेहनत करके घर बनाया था, उनके जो खेत थे सब कुछ मतलब बाढ़ में सब बह गया और अब उनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी जो एक छोटी सी दुनिया थी वो उनसे छिन गई। तो वो देख के कहीं ना कहीं मतलब जब किसी को रोते हुए देखा तो बहुत बुरा लगा। उसके बाद जब अखबार में पढ़ा कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव फ्लड था और काफ़ी लोग इसमें मरे, काफ़ी टूरिस्ट मरे, काफ़ी जो कॉमन रेजिडेंट्स थे वो भी मरे, और साथ ही साथ कई जानवरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। और जब पापा वापस आए तो जब वो पिक्चर्स लेकर आए थे उन पिक्चर्स को देख के मतलब वो सबको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये क्यों हुआ, और कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया मन में कि अगर ये कल को मान लीजिए मेरे यहाँ ही होता है तो मैं क्या करूँगी। 5 साल की उम्र में आपने टीवी में देखा ये, जब आप 5 साल की थी 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई, उसने आपके साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आप पे छोड़ा और आपको लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन ये तो आपकी इस फील्ड में एंट्री की बात हुई, लेकिन मैंने पढ़ा कि 9 साल की उम्र में आपने केंद्र सरकार के खिलाफ एनजीटी में एक वाद दायर किया। आपको 9 साल की उम्र में मालूम था ये पेटिशन क्या होता है, ये केस फाइल क्या होता है, आपने कैसे इस चीज को किया? सो इट्स लाइक कि बेसिकली जब 2013 में फ्लड हुआ तो उस टाइम पे पहली बार जब मम्मा पापा से पूछा कि ये क्यों हुआ तो तब पहली बार पता चला कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। और वो चीज़ सुन के मतलब ग्लोबल वार्मिंग की जो डेफिनेशन जो मुझे मेरी मम्मा ने बताई थी उसको सुन के कहीं ना कहीं इस फील्ड में इंटरेस्ट आया, और क्योंकि मतलब एक जो इम्पैक्ट था जो मतलब डर था मेरा फ्लड्स को लेके, उसके रहते भी मेरे को था कि मतलब अगर इसकी वजह से फ्लड हो रहा है तो ये चीज़ है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उस समय पर मेरे दिमाग में था कि मुझे बस फ्लड्स को कैसे ही रोकना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पेरेंट्स को कहूँ मैं अपना घर कहूँ।
तो उस टाइम पे मतलब मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना। उसके बाद आज जैसे मेरे को इसमें इस फील्ड में इंटरेस्ट आया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ती गई समझती गई, मतलब जैसे पेरेंट्स समझाते गए इंटरेस्ट बढ़ने लगा। क्योंकि मतलब जो वे ऑफ टेलिंग था वो भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरी मम्मा यूजुअली मेरे को स्टोरी फॉर्म में या किसी मतलब वीडियोस की फॉर्म में वो चीज़ समझाती थी, तो वो ज़्यादा समझ आता था, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता था, ना ज़्यादा जानने का मन करता था। तो जैसे जैसे जानती गई ऐसे ऐसे चीज़ें पता लगती गई, और साथ ही साथ मतलब पिटिशंस का जो आइडिया था और कैसे समझ आया, तो वो मेरे पापा की वजह से, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा PILs पिटिशंस ये सब करते रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को यही पता था पिटिशन मतलब कि आप कोर्ट के पास जा रहे हो, इसके अगेंस्ट आप मतलब आप उनको बोल रहे हो कि ये इंसान ये काम गलत कर रहा है या इसने ये चीज़ करी, और आप उसको डायरेक्शन दो ताकि वो काम उसको सही वे में करे, या अगर वो ऐसी चीज़ें जिस पर आप डायरेक्शन नहीं ले सकते उन्हें, तो आप उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। तो वो जो NGT में आपने जो केस फाइल किया था जलवायु परिवर्तन और जो ग्लोबलाइजेशन है इसको लेकर के, उस समय आपने किया था जब आप 9 साल की थी, अब आप 13 साल की है, क्या वो जो केस दायर करने का उद्देश्य था, जो एम्बिशन था, आपको लगता है वो पूरा हो गया है, अब उससे आप संतुष्ट हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए? मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मतलब वो पिटिशन ही है था कि गवर्नमेंट के इनएक्शन पे कि वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, वो ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रही है, ऑन पेपर ज़्यादा काम कर रही है, एनवायरनमेंट को वो एक जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। उनकी जो मेन कंसर्न है वो जस्ट प्रॉफिट लग्जरी एंड डेवलपमेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट बिल्कुल, शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप भी सोच रहे होंगे कि 9 साल की एक बच्ची सरकारों के खिलाफ NGT में वाद दायर करके कहती है कि आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, जबकि पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो आपके पास है, बावजूद आप इसके कुछ नहीं कर सकते। तो सरकारों को भी, या जो शासन में उस समय लोग होंगे उनको भी जो है ये धक्का देने वाली एक परिस्थिति होगी कि NGT में छोटी सी बच्ची ने वाद दायर किया। तो रिधिमा, आप, मुझे जहां तक जानकारी है, आप जब 11 साल की थी तब आपने एक देश में संबोधित किया था, इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उसके सॉल्यूशंस हैं उसको लेकर के, उसका कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। सो इट्स लाइक कि 2019 में लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में मैं न्यूयॉर्क गई थी, क्लाइमेट एक्शन समिट वहाँ हुई थी, तो उसके लिए भी साथ ही साथ मतलब मैंने और 15 मतलब हम टोटल 15 बच्चे थे, तो हम 16 बच्चों ने यूनाइटेड नेशंस पे 5 कंट्रीज़ के खिलाफ चाइल्ड राइट कमिटी पे कंप्लेंट दायर करी थी चाइल्ड राइट्स को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो चाइल्ड राइट्स बेसिकली यही है कि हम बच्चे हैं, हमें साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ वातावरण बच्चों का मिलना चाहिए अधिकार। जी, और वो कि हमें मिल नहीं रहा है। तो बीइंग क्योंकि ग्लोबली ये चीज़ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अपनी अपनी कंट्रीज में हम सब ने ट्राई कर लिया और हम सब ने देखा है जो रिस्पॉन्स होता है या जो सोल्यूशन होता है वो निल होता है। सो इसीलिए हम वहाँ गए थे, तो आई वुड से कि वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ वहाँ ग्रेटा से मिले, सो इट्स लाइक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ वो एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन चुकी है हम कहेंगे। तो ग्रेटा से मिले, उसके व्यूज़ जानने को मिले, और जो बच्चे थे हमारे साथ उनके व्यूज़ जानने को मिले, तो वो सब जान के कहीं ना कहीं एक अंदर से होता है कि मतलब वो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हम भी ये चीज़ अपने कंट्री में फॉलो कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम्स उनकी कंट्री में वो फेस कर रहे हैं कैसे हम ट्राई कर सकते हैं कि वो हमारे कंट्री में ना हो, तो वो सब लेके ओवरऑल बहुत अच्छा था। चलिए, तो ये तो रही आपकी अमेरिका की बात, जो आपने वहां पे संबोधित किया। रिधिमा, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट इस फील्ड में आने के बाद किससे मिलता है? तो मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स, बिकॉज़ उन्होंने ही पहली चीज़ मेरे को इससे इंट्रोड्यूस करा। साथ ही साथ मतलब जब भी कहीं जाना है तो पेरेंट्स ऑब्वियसली वही सपोर्ट करेंगे, वही मेरे साथ जाएंगे, कभी कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो वही ऑब्वियसली मतलब हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स सबसे बड़े मतलब सपोर्टर्स रहे हैं मेरे, क्योंकि कितनी बार मतलब हेटर्स भी रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन हेटर्स को देख के वो एक सपोर्टर बन के कोई हेट कर, मतलब अच्छा, हेटर्स भी हैं आपके? अब ये स्ट्रेंथ की बात करी तो कुछ लोग वीक करने के लिए भी खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी बताइए क्या आपको, क्योंकि सोसाइटी में अब देखिए कि 13 साल की बच्ची जो अपने समाज को और अपने एज ग्रुप के लोगों को गौरवान्वित कर रही है, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है, उसको हेटर्स भी, हेटर्स के बारे में बताइए।
सो इट्स लाइक मैंने जब पहली बार मैं न्यूयॉर्क थी तब मतलब मेरे पास अब तक इतना कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है जी बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स नहीं समझते कि मुझे मतलब पर्सनल फ़ोन बच्चे को देना चाहिए. जी सो मैं अपने फादर के फ़ोन से कॉल्स वगैरह लेती थी. मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, बट वहाँ जब सबको देखा, सबके इंस्टाग्राम थे और सबके ट्विटर्स थे, तो कहीं ना कहीं अंदर से हुआ मुझे भी इंस्टाग्राम हैंडल बनाना है, मैं भी सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. अच्छा तो उस टाइम पर मैंने पहली बार अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाया. फिर मैंने उस पर मतलब जो भी मैं वर्क थी या जो भी मतलब मेरे को फील होता था मैं उसको वहाँ शेयर करती थी. तो इन द वेरी बिगिनिंग मतलब लोग ने लाइक किया, सब ने मतलब काफ़ी ज़्यादा चेयरअप किया, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मन करता था अच्छा आज भी पोस्ट कर देती हूँ, आज ये पोस्ट कर देती हूँ, आज यहाँ गई यहाँ पोस्ट कर देती हूँ. तो मतलब काफ़ी एक बार को ये भी हुआ कि मैं व्लॉगिंग करूँगी सबको दिखाने के लिए कि मतलब कि मेरा मैं कहाँ कैसा कहाँ घूम रही हूँ। नहीं कि मतलब ऑन स्टेज सबने देखा है कि मतलब मैं बात करती हूँ, बट ऑफ स्टेज किसी ने नहीं देखा कि वो एक स्ट्रगल टाइप का भी होता है, क्योंकि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर अगले अच्छा दिन स्कूल सब. मतलब मैं शेयर करना चाहती थी कि मैं मतलब कभी स्कूल जाती हूँ तो मैं कैसे बच्चों से मिलती हूँ, उनका रिएक्शन क्या होता है, बिकॉज़ वो चीज़ कभी मतलब वो वो एक पर्दे के ऐसे पीछे रह जाती हाँ होगी। वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह जाती है. तो बट उसके बाद बीच में फिर जब लोगों ने हेटर्स मतलब हेट कमेंट डालना शुरू किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ. कितनी बार गुस्सा आता था, मन करता था उन्हें रिप्लाई करूँ, बट वो ही होता है ना, रिप्लाई आपने किया वो तो खाली बैठे हैं. बिल्कुल तो वो फिर एक मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस एक डाउन हो हाँ एक जाता है कहीं. नेगेटिविटी सी हल्की हल्की क्रिएट होता है। चलिए रिधिमा अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे। क्या समस्याएं आपको लगती हैं पर्यावरण में आज के दौर में, जब आप चलती हैं आप चीज़ों को पढ़ती हैं, और क्या क्या उनके समाधान हैं बता दीजिए फटाफट। सबसे पहले मैं कहूँगी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की साइड से भी, लोगों की साइड से भी. वो इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा लेज़ीपना दिखाते हैं, या वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते. ये मुझे समझ नहीं आता है, बिकॉज जब एयर पॉल्यूशन होता है दिल्ली में तब वो सब खड़े हो जाते हैं एयर पॉल्यूशन, बट जब वो सही हो जाता है जिस दिन नीला आसमान दिखा, अरे बहुत बढ़िया नीला आसमान आ गया, अब क्या करना है एयर पॉल्यूशन बोल के. ऐसे ही जब हमारा ये रवैया रहेगा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों करेगी काम? आपको उन्हें मतलब आपको उन पे प्रेशर बनाना है कि ये चीज़ गलत है, ये हमें इफेक्ट कर रही है, आप इस पे एक्शंस लीजिए, आप इसको सही करिए. अभी रिसेंटली इंडिया अभी उत्तराखंड में जितना भी एलिफेंट रिजर्व है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो हो चुका है, उन्होंने सारे एलिफेंट रिजर्व डीनोटिफाई कर दिया है अच्छा विदाउट इवन थिंकिंग, बिकॉज क्योंकि उनका एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था, जो कि अभी प्रोजेक्ट मतलब हम एक्टिविस्ट ले रहे हैं सेफ थानो, तो थानो फॉरेस्ट कट करने के लिए उन्हें परमिशंस लेनी पड़ती, सब लेनी पड़ती, तो वो पूरा एलिफेंट रिजर्व ही डीनोटिफाई कर रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट जस्टिसिएबल, क्योंकि उनका क्या होगा अगर वहाँ पे कितनी एंडेमिक स्पीशीज होंगी प्लांट्स की एनिमल्स की, जो जानवर वहाँ रह रहे हैं वो ऐसे ही मतलब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. तो थिंकिंग दैट आप वो एरिया डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उन जानवरों का क्या होगा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका क्या होगा, और इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो थिंकिंग अबाउट दैट सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में जो है वो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नेग्लिजेंस, जो कि मतलब गवर्नमेंट की साइड से तो है ही है, साथ ही साथ लोगों की साइड से भी पब्लिक बहुत में ज़्यादा भी है. है, जी समाधान भी बता दीजिए कि क्या जरूरी नहीं इसी इसी उसको लेकर के एक व्यापक तौर पर, एक बड़े तौर पर, हम मैक्रो लेवल पर कुछ आपको लगा होगा इन दिनों में जब आपने पढ़ाई करी है, उन चीजों को स्टडी किया है, रिसर्च भी की होंगी, तो क्या समाधान कुछ मोटे मोटे तौर पर आपको लगते हो कि पर्यावरण को अगर इन मैक्रो लेवल पर हम कुछ काम करें तो एक बड़ा परिवर्तन बड़े तौर पर देखा जा सकता है। तो इट्स लाइक कि सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब आप खुद को जागरूक करें कि क्या चीज़ हो रही है, और अगर आपको लगता है वो चीज़ गलत है तो घर पे मत बैठिए, स्टैंड आउट करिए, अपनी आवाज़ उसकी तरफ रेज करिए, एक्शन लीजिए उसकी तरफ, बिकॉज़ एट दी एंड आपको ही वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है. और साथ ही साथ इट्स लाइक सब सोचते हैं कि हम इतने बड़े एक्शंस कैसे ले, जैसे मैं ले रही हूँ, बट मैं क्या कहती हूँ कि आप क्या ट्राई कर सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे आप ट्राई कर सकते हैं कि मतलब आप इट कुड बी एज सिंपल एज लाइक स्विचिंग ऑफ द फैंस. सो आप
सो आप मतलब पंखे बंद करिए, लाइट एनर्जी सेव करिए, अपने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कीजिए, अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में लोगों को अवेयर कीजिए, और लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफ, अगर सब ये चीज़ ट्राई करता है तो इट कुड ब्रिंग अ बिग चेंज तो आपकी बातों को अगर समराइज कर दे तो ये कहा जा सकता है, बी द चेंज यू यू वॉन्ट टू वॉन्ट। सी। या सो ये रिधिमा ने साफ तौर पर कह दिया, और रिधिमा पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ पर्यावरण को लेकर ही नहीं, समाज में जहां भी रिधिमा को लगेगा कि मुझे वहां खड़ा होना चाहिए, रिधिमा वहां खड़ी होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिधिमा, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।